बनारस की सरजमीन, मंत्रों का उच्चारण, एक रूहानी मंजर जहां वेद की ऋचाओं के साथ साथ गीत संगीत रूहों में बसता है। बनारस का संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत जगत में आला मुकाम रखता है और इस घराने के एक बुलंद सितारे का नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्रा। यहां की कलाओं में संगीत का विशेष स्थान रहा है। वास्तव में कला की साधना करने वाला कलाकार महान होता है, क्योंकि कलाकार का अर्थ होता है कला को नया आकार देने वाला, जो ईश्वर के अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही दे सकता है। उत्तर वाहिनी माँ गंगा बाबा विश्वनाथ के चरणों को स्पर्श करते हुए अनंत अविरल प्रवाह में बहती रहती हैं। उसी माँ गंगा की निर्मल तरंगे संगीत साधकों के हृदय से होती हुई उनके स्वर बनकर ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बनाती है। माँ गंगा के प्रति पंडित जी की विशेष आस्था है। गंगा की अजस्त्र धारा के साथ पंडित जी के दिन का आरंभ माँ गंगा की स्तुति से होता है। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी विष्णु पद सरोज जासी। यूं तो सभी सिद्ध संत महात्माओं ने ओम की विवेचना अपने अपने विचार अनुसार की है, किंतु पंडित जी ने अपने दिव्य अनुभवों के आधार पर ओम की विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। शब्द में कौन कौन है? ऊपर सबसे बिंदी है, वो बिंदी क्या है? अनुस्वार है। और बिंदी है माता जानकी, और रेफ जो है बीच उसके उनके नीचे वो है रकार रामचंद्र। तो रकार रामचंद्र है, मकार मात जानकी, ये दोनों सबसे ऊपर हैं। उसके बाद ब्रह्मा का स्थान आता है ओम में। ब्रह्मा के बाद बीच में विष्णु का स्थान है मृतलोक, और नीचे भगवान शंकर का स्थान है, और शंकर के स्थान से जो ऊपर की तरफ सीधा गया है वो विद्या माया है, जो कि सीधे जा कर के ऊपर ब्रह्म से मिला देती है जीव को। और इधर घूमा हुआ है जैसे बीच से मृतलोक में ऐसे आके गोल जो बना हुआ है वो अविद्या माया है, वो जीव को संसार में फंसाने के लिए फंसा करके रखती है, जिससे कि जीव ईश्वर के को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस महान कलाकार का जन्म एक महान दिवस 15 अगस्त सन 1936 में आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में हुआ। इस छोटे से हरिहरपुर गांव में संगीत जगत की ऐसी ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया जिन्होंने बनारस एवं पूर्व अंग की गायन विधाओं की नींव रखते हुए ठुमरी, चैती, दादरा, गजरी, होली आदि गीतों को जनमानस तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई है। शायद इसीलिए इस गांव को कलाकारों का गांव कहते हैं। पंडित जी आज आसमान की बुलंदियों पर विराजमान हैं, लेकिन अहंकार उनकी परछाई से भी दूर है। पंडित जी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी
अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। गांव की मिट्टी की सौंधी महक पंडित जी के संगीत की आत्मा में रची बसी है। आज भी पंडित जी समय समय पर अपने गांव जाते रहते हैं अपने बचपन की यादों को ताजा करने। गांव का वो कच्चा मकान आज पक्के मकान में तब्दील हो गया है। आज भी उसी परिसर में वो जगह मौजूद है जहां उनका जन्म हुआ। वहां पर नीम का पेड़ उनके जन्म स्थली की निशानी के रूप में विराजमान है। आज भी उस पेड़ की छांव में पंडित जी अपने बचपन को याद करके भावुक हो जाते हैं। पंडित जी को अपनी चाची के हाथ का पका भोजन अत्यंत प्रिय था। आज चाची नहीं है लेकिन उनके स्नेह प्रेम से संचित रसोई घर आज भी है। रसोई से खाने की सौंधी खुशबू को आज भी महसूस किया जा सकता है। गांव के उस मकान की एक दीवार पर बने ताख पर भगवान और गुरु का मंदिर बनाकर पंडित जी पूजा किया करते थे। आज भी जिसे देखकर उनका मन श्रद्धा में डूब जाता है। भले ही भीषण गर्मी का प्रकोप हो वो अपने दालान में थोड़े पल अवश्य गुजारना चाहते हैं जहां कभी संगीत संध्या हुआ करती थी। इस मंदिर में वर्षों से गाया जाने वाला हनुमान जी का भजन आज भी गांव के लोगों द्वारा गाया जाता है। वह भजन जिसे कवि पंडित जी स्वयं गाया करते थे। पंडित जी के प्रति गांव के लोगों का इतना लगाव है कि जब पंडित जी गांव जाते हैं गांव के लोग अपने प्रिय चाचा जी का आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। पंडित जी के जीवन में संगीत का संस्कार उनके जन्म से ही आ गया। इनके पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र कुशल तबला वादक एवं गायक भी थे तथा माता श्रीमती रानी देवी रामायण रामचरितमानस भक्ति परक गीतों एवं लोक गीतों की गहरी जानकार एवं गायिका थी। अतः प्रारंभ से ही घर में धार्मिक एवं सांगीतिक माहौल था। पंडित जी एक आध्यात्मिक संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं जिनके संगीत में एक दिव्यता एवं अलौकिक आभा है। ऐसा हो भी क्यों ना, पिता स्वर लय में सिद्धहस्त थे तो माता धार्मिक और लोक गायन की सहज ज्ञाता। इसीलिए ये दोनों ही गुण लहु बनकर पंडित जी के रग रग में दौड़ रहे हैं। संगीत तो दुनिया का कोई भी कलाकार सिखा सकता है लेकिन ऐसा दिव्य धार्मिक और सांगीतिक संस्कार गुरु जी की खास विशेषता है। शायद इसीलिए दूर दूर से लोग पंडित जी से संगीत सीखने आते हैं। पंडित जी का बचपन बहुत अभावों में बीता। आधा पेट भोजन करके संगीताभ्यास में लीन रहना इनके लिए रोज की बात थी। पिता के कड़े अनुशासन की वजह से 8 वर्ष की आयु होने तक ये संगीत की अच्छी समझ रखने लगे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वर साधना किया करते थे। संगीत के प्रति पंडित जी के अगाध प्रेम को देखते हुए 8 वर्ष की अवस्था में इनके पिता इन्हें और इनके छोटे भाई को लेकर योग्य गुरु की तलाश में आजमगढ़ के गांव से निकलकर मुजफ्फरपुर चले गए। सौभाग्यवश किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक एवं दरभंगा राज दरबार के दरबारी गायक उस्ताद अब्दुल गनी खां साहब ने इनका गायन सुनकर स्वयं इनके पिताजी से इन्हें संगीत सिखाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके पश्चात इनके पिता चतुर्भुज स्थान मंदिर के पास मुजफ्फरपुर में एक छोटी सी कोठरी किराए पर लेकर दोनों बेटों के साथ वहीं रहने लगे। मुजफ्फरपुर के इसी छोटे से घर में पंडित जी ने बड़ी गरीबी में अपनी संगीत साधना का कठिन समय बिताया। इसी किराने की दुकान से कई बार वे उधार राशन मांगकर ले आते और आधी रोटी चटनी और चकवड़ के साग के साथ खाकर 2 मील की पैदल यात्रा करके उस्ताद जी से संगीत सीखने जाया करते थे। उस्ताद जी के उस मकान का अवशेष आज भी वहां मौजूद है। इस बीच आजीविका हेतु इनके पिता और पंडित जी के छोटे भाई के साथ छोटे छोटे संगीत समारोह में प्रस्तुतियां देने लगे। कठोर परिश्रम और गुरु के आशीर्वाद से शीघ्र ही इनकी ख्याति संगीत जगत में फैलने लगी। बड़े बड़े संगीत कॉन्फ्रेंस में गाने का निमंत्रण मिलने लगा। दरभंगा नरेश द्वारा इन्हें दरबारी गायक बनने का प्रस्ताव भी मिला।
इसी समय पंडित जी के जीवन में एक अद्भुत एवं सौभाग्यपूर्ण घटना घटी। दैव योग से मुजफ्फरपुर में अनायास ही पेड़ के नीचे बैठे पंडित जी को सामने से आते हुए साक्षात ब्रह्म के दर्शन हुए। बैजलपुर मठ के गुरु महाराज मौनी बाबा नरसिंह दास जी अपने शिष्यों के साथ सामने से आए और इशारे से अपने शिष्य को आदेश दिया कि पंडित जी को मठ पर ले आए। पंडित जी कुछ ही दिन बाद मठ पर जाकर गुरु महाराज से दीक्षा लेकर गुरुमुख हुए तथा राम मंत्र पाकर इनका संपूर्ण जीवन राममय हो गया। इसी प्रकार जीवन के सफर में स्वर से ईश्वर तक ले जाने वाले आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पाकर पंडित जी ने काशी नगरी को अपनी कर्मभूमि बनाने का निर्णय लिया। वर्षों तक किराए के मकान में रहने के बाद पंडित जी ने छोटी गैबी मोहल्ले में भले ही अपना मकान छोटा सा ही बनवा पाए, लेकिन मुकाम संगीत जगत में बहुत बड़ा बना चुके थे। यहीं पर उन्हें संगीत के शास्त्र पक्ष के गुरु पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन से संगीत शास्त्र पक्ष में भी आज पंडित जी अतुलनीय माने जाते हैं। पंडित जी के जीवन में गुरुओं का बड़ा महत्व है। वे स्वयं कहते हैं कि उनके तीनों गुरु उनकी रूह में बसते हैं। हमारा अहो भाग्य है कि हमको तीन तीन गुरु मिले हैं और तीनों महान गुरु, संगीत के गुरु, शास्त्र के गुरु और आध्यात्मिक गुरु, ये तीनों गुरु हैं। हमारे संगीत के गुरु उस्ताद अब्दुल गनी खान साहब हैं, जिन्होंने ख्याल और शास्त्रीय संगीत मुझे सिखाया, और शास्त्र के गुरु हमारे पद्मभूषण ठाकुर जयदेव सिंह जी, जो कि हमको शास्त्र में ऐसा ऐसा चीज बताए हैं कि 15 प्रकार का गमक, अस्थाय भंजनी, रूपक भंजनी, चार स्वस्थान, मेरु खंड खंड मेरु कैसे होता है, ये सब का ज्ञान ठाकुर जयदेव सिंह ने दिया। हमारे आध्यात्मिक गुरु जब से मिले हमारा भाग्य खुल गया। संसार में गुरु से महान कोई नहीं है। भगवान ने खुद कहा है कि गुरु बिनु भवन भीतर न कोई, जो बिरंची शंकर की न होए। शंकर भगवान हो चाहे ब्रह्मा हो, कोई भी हो, बिना गुरु के कोई भव नहीं, भव सागर पार नहीं करता है। और गुरु का कितना बड़ा महिमा है, कहते कि गुरु नारायण रूप है, अगुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप सो, मन का मिटे ऊंचा। भगवान खुद कहते हैं कि मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा। हमसे ज़्यादा, भगवान कहते हैं हमसे ज़्यादा संत का महिमा होता है और संत को हमसे ज़्यादा स्थान देना चाहिए। और गुरु, गुरु ही एक ऐसे हैं कि जो आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले भगवान, भगवान कहिए, गुरु कहिए, ब्रह्मा कहिए, कोई भी हैं, सब भगवान गुरु हैं। हमारे दृष्टि से गुरु शंकर रूपिण, शंकर का स्वरूप गुरु हैं। और गुरु का कितना बड़ा महिमा है कि संसार में गुरु के सिवा कोई है ही नहीं है। कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने दर्शन दिया, जब से उन्होंने दर्शन दिया तब से हमारा भाग्य खुल गया और उन्होंने भगवान से मिला दिया, साक्षात्कार करा दिया हमको हमारे गुरुदेव ने। क्यों कि गुरु का कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। गुरु बिनु भवन भीतर न कोई, बिना गुरु के भवनिध कोई नहीं करता है। इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है। भगवान ने भी कहा कि गुरु का महत्व हमसे ज़्यादा है, मोते संत अधिक कर लेख है,
मुझसे ज्यादा संत का महिमा है, अब संत को ज्यादा महत्व तो देना चाहिए। पंडित जी का जन्म एक सांगीतिक परिवेश वाले परिवार में तो हुआ ही, साथ ही उनका विवाह काशी के सुप्रसिद्ध तबला वादक और नाधिन धिन्ना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध पंडित अनोखेलाल मिश्र जी की बड़ी पुत्री मनोरमा मिश्रा के साथ हुआ। इस विवाह ने पंडित जी के काशी के साथ संबंधों को और भी अधिक प्रगाढ़ कर दिया। मनोरमा मिश्रा जी सिर्फ एक कुशल गृहिणी और मृदु स्वभाव की महिला ही नहीं, अपितु एक कुशल तबला वादिका भी हैं। इन्होंने तबला वादन की शिक्षा अपने पिता एवं अपने बड़े भाई पंडित रामजी मिश्र से ली। मनोरमा मिश्रा जी ने अपनी इस विरासत को अपने पुत्र पंडित रामकुमार मिश्रा जी को हस्तांतरित किया। ये मेरे नाना पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, जो कि नादिन धन्ना के जादूगर कहे जाते थे, वो जैसा बजाते थे वैसे ही मेरी माताजी ने मुझे भी सिखाया। मैं आगे इसको अपने पुत्र राहुल और हमारे भांजे उनको मैं ये सिखा रहा हूँ। गिने चुने तबला वादकों में पंडित रामकुमार मिश्र जी का नाम लिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि पंडित रामकुमार मिश्र एक एकल वादन में ही नहीं अपितु संगत में भी बेजोड़ माने जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज जी और अपने पिता के सबसे चहेते संगतकार के रूप में पंडित रामकुमार मिश्रा विश्वविख्यात हैं। और अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय पंडित रामकुमार मिश्र अपनी माता और अपने गुरु श्रीमती मनोरमा मिश्रा जी को ही देते हैं। तबला वादन के इस प्रशिक्षण का कार्य आज भी अनवरत चल रहा है, क्योंकि मनोरमा मिश्रा जी आज तबला वादन की शिक्षा अपने पोते राहुल मिश्रा और अपने दो नातियों आदित्य कुमार मिश्रा और कृष्ण कुमार उपाध्याय को भी दे रही हैं। उनके छोटे भाई पंडित विश्वनाथ मिश्र एक कुशल तबला वादक हैं तथा नई दिल्ली में स्थित कथक केंद्र में कई वर्षों तक उन्होंने तबला वादन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। उनके सबसे छोटे भाई पंडित शिवजी मिश्र भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तथा पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं। पंडित जी की छोटी बहन सावित्री देवी भोपाल में सपरिवार निवास कर रही हैं तथा इस परिवार में आज भी असीम प्रेम और आत्मीयता बनी हुई है, जो कि तारीफ की बात है, प्रशंसा की बात है। पंडित जी का एक भरा पूरा सांगीतिक परिवार है, जिसमें उनके बड़े बेटे पुत्रवधू संप्रति दिल्ली में निवास करते हैं। पंडित जी की चार पुत्रियां हैं, श्रीमती संगीता मिश्रा, श्रीमती अनीता उपाध्याय, श्रीमती ममता शर्मा। उनकी सबसे छोटी पुत्री यानी मैं, डॉक्टर नम्रता मिश्रा, मथुरा के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पे संगीत गायन विभाग में विगत 14 वर्षों से कार्यरत हूँ। पंडित जी के परिवार में आज भी संगीत का माहौल है। Oh,
की चर्चा होने पर घरानों का नाम स्वतः ही आ जाता है। लेकिन पंडित जी मानते हैं कि वे एक ऐसे घराने के वंशज हैं जिसके रचयिता भगवान शिव हैं। भगवान शंकर ने सात स्वरों को किस तरह निकाला कि अपने डमरू को 14 बार बजाया, उद्देश्य क्या था बजाने का, तात्पर्य क्या था? कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंच बारम उद्धर तुकाम। यही था उद्धर तुकाम, हम सब प्राणी का उद्धार करने की दृष्टि से, कि सबका, ऋषियों का सबका कल्याण हो, और स्वर लय के द्वारा भजन करने से ईश्वर प्राप्ति जल्दी होती है। इसलिए उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर से शिव सूत्र जालम। ये भगवान शंकर का 14 सूत्र जो निकला है डमरू से, वो कैसे निकला कि अयोण रुद्रिक एवं अवच हयव रट लड़ यम गण नम जब य घट दस जब घट दस खप छठ चट तव कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र है। पहले स्वर निकला आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सब स्वर है। ये पहले शंकर जी ने डमरू से निकाला कि पहले स्वर की साधना करो और उसी में लय है। 5 जातियाँ होती हैं लय की, चतुस्र खंड तीसर मिश्र संकीर्ण, 4 मात्रा 5 मात्रा 6 मात्रा 7 मात्रा और 9 मात्रा। वो कैसे पिरोया है भोलेनाथ ने, अयुण अयुण डिम 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 अयुण अयुण रिद्रिक रिद्रिक ड्रिमिक ड्रिमिक, तो अयुण रिद्रिक अयुण अयुण 4 मात्रा यानी 16, फिर रिद्रिक रिद्रिक धिन धिन धा धा तुन्ना कत्ता धगित्र धिन्ना धिन धिन 6 मात्रा 12 मात्रा एं अयौच धीना धी धीना तीना धी धीना 10 मात्रा 5 मात्रा 10 मात्रा, फिर हय वरट लड़ ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना 7 मात्रा, और फिर 9 मात्रा खप छठ थ चट तव खप छठ थ चट तव, तो रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर रचना करके अपने डमरू से निकाला कि इससे जीव का कल्याण हो और प्रभु का दर्शन हो। संगीत का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुआ तो संगीत बेकार है, क्योंकि स्वर के द्वारा ईश्वर से मिलाना, जीव का कल्याण करना, ये भोलेनाथ का। इसीलिए काशी जो है वो भोलेनाथ की नगरी है और ये भगवान शंकर का घराना है, और भगवान शंकर के घराना ही से जो स्वर लय शब्द तीनों को निकाला है उसी का घराना है ना। हमारे घराने का क्या है, इसीलिए हम अपना घराना न कह करके भगवान शंकर का घराना कहते हैं कि शिव का घराना है। और शंकर जी से हमारे खानदान में संगीत कैसे आ गया, भगवान शंकर ने अपने शिष्य को सिखाया काग भुसुंडी को, सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, उनके शिष्य थे तो उनको सिखाया। तो क्यों सिखाया कि राम भगत अधिकारी चीना, राम का भक्त है और इस संगीत का अधिकारी है, इसलिए काग भुसुंडी को उन्होंने सिखाया। फिर काग भुसुंडी से किसने सीखा, कैसोई शिव काग भुसुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीना, उनसे किसने पाया, कि ते ही सन जाग बल्क मुनि पावा, उनसे काग भुसुंडी से जाग बल्क मुनि ने सीखा संगीत। और फिर ते ही पुनि भारद्वाज सम गावा, वो भारद्वाज ऋषि को उन्होंने सिखाया। अब भारद्वाज ऋषि के वो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के गोत्र हम हैं, तो हमारे खानदान में संगीत भगवान शिव से आया है, तो शिव का ही घराना हमारा घराना है। पंडित जी एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो संगीत गाते ही नहीं बल्कि समझाते भी हैं। विचित्र होली है हमारे भोलेनाथ की, साल में एक बार होली होती है राधा कृष्ण, एक बार होली का दहन होता है हमारे भोलेनाथ शंकर जी की, रोज होली होती है, रोज होलिका होलिका दहन होता है हमारे कड़िया घर पर। खेल मसाने में होई दिगंबर। इनकी संवादात्मक गायन शैली इतनी सहज एवं विलक्षण है कि आम लोक मानस भी उसका संपूर्ण आनंद लेने में सफल हो जाता है। पंडित जी 7 प्रकार की ठुमरी, 3 प्रकार की चैती, बनारसी एवं मिर्जापुरी कजरी तथा कृष्ण के साथ साथ शिव की बेजोड़ होली गाने वाले विश्व के एकमात्र मूर्धन्य कलाकार हैं।
संगीत जगत में पंडित जी के योगदानों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेकों पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं भारत सरकार द्वारा देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान एवं नौशाद पुरस्कार, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा डिलिट की मानद उपाधि, बिहार सरकार द्वारा संगीत शिरोमणि सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, सुर सिंगार संसद मुंबई द्वारा सुरमणि सम्मान एवं रॉयल स्टैग म्यूजिक मिर्ची अवार्ड मुंबई द्वारा स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडित जी को वॉशिंगटन DC में स्मिथ सोनियन सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे पिता पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से उनके प्रस्तावक भी हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में संगीत के, खासतौर से शास्त्रीय संगीत के जो जितने सम्मान हैं वो सभी पंडित जी को मिले हुए हैं, लेकिन ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें कोई अवार्ड मिलता है तो अवार्ड की इज्जत बढ़ती है। छन्नूलाल मिश्रा जी हैं, बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बहुत ही बड़े योगी हैं। मैं ऐसे लोगों को योगी कहता हूं, संत कहता हूं। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो कि 80 वर्ष के हो गए हैं और उसके बाद भी उनका जो मन है वो आज भी बालक की तरह पवित्र और एक भक्ति और कला की सेवा में समर्पित भाव से जो लगे हुए हैं, ऐसी विभूति का नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्र। मैं इनको मात्र गायक या मात्र संगीतज्ञ या मात्र प्रशिक्षक या प्राचार्य मानता नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों को तीर्थ मानता हूँ। और भारत में दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक होते हैं स्थावर जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, वो वहाँ होते हैं, मंदिरों के रूप में होते हैं, श्राइन्स के रूप में होते हैं। और दूसरे होते हैं स्थावर, एक तो स्थावर होते हैं, दूसरे होते हैं जंगम। जंगम होते हैं इस तरह के योगी जो लोग जहाँ होते हैं, जहाँ भी यात्रा करते हैं, वो अपनी रोशनी वहीं से बहाते हैं, वहीं से प्रकाशित करते हैं जनमानस को, इस ब्रह्मांड को। ऐसी ही एक दिव्य शक्ति हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। We always wanted to work with छन्नूलाल मिश्र because he's such a fine artist and he doesn't get out of his shell because he's a purist and he doesn't want to get involved in all this commercial things that happen, but we want his voice to reach out to the masses. So I requested him and just the fact that he loves us, he came. को हम पहले से जानते हैं, बहुत सुंदर गाते भी हैं, हमारे घर आकर के उन्होंने कई बार गाया है। Blown by the voice, the tumri and the dadra and the kajri that he sang, and he's a person who would normally not come and sing for regular Bollywood film or anything like that. He understood the depth of the melody, the depth of the rag that we do. हमारा भारत देश जाना जाता है अपनी कला और संस्कृति और धरोहर के लिए, पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे यहाँ जो धरोहर है उसमें शास्त्रीय संगीत का एक विशेष महत्व है, और शास्त्रीय संगीत में घरानों का महत्व है। विभिन्न घराने हैं, उनमें से एक घराना, प्रमुख घराना बनारस घराना है, जिसमें दादरा, ठुमरी, चैती, कजरी और इस तरह की जो विधाओं का प्रयोग होता है वो अपने आप में एक अद्भुत है। बनारस घराने में ही होता है शायद ऐसा। और उस घराने के एक मूर्धन्य कलाकार हैं, सुप्रसिद्ध पंडित छन्नूलाल जी मिश्रा साहब बनारस के, जिन्होंने इन सभी विधाओं पर महारत हासिल की।
और इनको हर जगह सराहना मिलती है क्योंकि ये अपने कार्यक्रम को इतना सरल बनाते हैं कि एक आम आदमी भी उनसे जुड़ जाता है और उसको समझाते हैं कि वो क्या गा रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो इनका कार्यक्रम सुनने के बाद में मैं समझता हूँ एक आम श्रोता भी समझने लग जाता है कि क्या होते हैं ताल, क्या होती है सुर और क्या होती है गमक। तो ऐसे कलाकार बहुत कम हैं हमारे भारतवर्ष में, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी सांगीतिक यात्रा इसी तरह जारी रहे, यही मेरी शुभकामना है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा जैसे एक आर्टिस्ट को हम जानते हैं, पहचानते हैं और उनके साथ हमने कई बार इंटरेक्शन भी किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत महान कलाकार हैं। हमारे देश में अगर दादरा ठुमरी कजरी यूपी फोक यूपी क्लासिकल संगीत इसका कोई इन डेप्थ और सीरियस आर्टिस्ट कोई है जिनका बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है और इन डेप्थ नॉलेज है तो वो एक ही है, वो है पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी। मेरे लिए छन्नूलाल जी एक भारतीय रत्न है। उनमें आपको भारत की कहानियाँ, भारत का इतिहास, उसकी प्राचीनता और उसकी आधुनिकता सबके झलक मिलेंगे और सबकी कहानियाँ मिलेंगे, सबका संगीत मिलेगा। He's one of the great storytellers of the world, besides being an incredible singer. जैसे होमर है या कालिदासा है वैसे छन्नूलाल जी, he's a living legend. आहा, क्या बात! आज हमारे भारत में जो पुरानी बंदी है और ढूमरी टाइप छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जो आज पंडित जी गा रहे हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, मैं बोलता हूँ एक मिसाल है हमारे घर इस टाइप की गाई है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और ये 100 साल तक ऐसे ही गाएं, ऐसे ही इनका नाम तो है ही और तो ये हमारी बहुत भगवान से निवेदन है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो मेरे लिए छन्नू चाचा जी हैं, बचपन से मैं उनको सुन रहा हूँ, अत्यंत ज्ञानी पुरुष हैं, रागों के बारे में उनको गहरा ज्ञान है और ठुमरी दादरा के तो वो बादशाह हैं। साहित्य में जो उनकी पकड़ है वो अद्वितीय है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ईश्वर उनको बहुत अच्छा सेहत दे और बहुत सालों तक इसी तरीके से हम सबको ज्ञान बांटते रहें, हम सब उनसे सीखते हैं उनको सुनकर। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चाचा जी इसी तरह बहुत वर्षों तक स्वस्थ होकर हम सबको सुनते रहें। ऐसा नहीं रहेगा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी उसी परंपरा के संवाहक हैं। उनका न केवल भारतीय शास्त्र और संगीत शास्त्र में गहरा लगाव है, गहरी अभिरुचि है, बल्कि उसके संवर्धन में भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनकी उस साधना के आधार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पुष्पित और पल्लवित होकर आगे बढ़ रहा है। उनकी एक क्षेत्र में की गई सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनसे मेरी अकस्मात भेंट हुई थी और जैसे बड़े बड़े बाल रखते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं उस तरह से वो पार्क में आए, अकस्मात वहाँ भेंट हुई हमारी उनकी। और वो भेंट ऐसी लगी कि जैसे हमने हम और ये सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। सावन झर लागीला धीरे धीरे, 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 सावन झर लागीला धीरे धीरे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप हमको आशीर्वाद करते रहिए और आप
आपका सेहत अच्छा रहे, आप और बहुत 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 गाने, बहुत सारे कॉम्पोजिशंस, बहुत सारे ठुमरिया, दादरा, झूला, चैती, कचरी, पता नहीं कितने आपका, आपके पास तो बंदिशों का भंडार है। और ऐसा भंडार आप हम जैसे जो छोटे स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, आप हम सबको सिखाएं, सुनाएं और हमको आशीर्वाद करें, यही प्रार्थना है आपसे। आप बहुत अच्छे रहिए, हम सबका प्रार्थना। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि तराशना है मुझे फिक्रे जुस्तजू से आपको, तहजीब का दामन है जिसे अपने अंदाज में बहने दो। तहजीब और संस्कृति की नुमाइंदगी करती है एक आवाज़ जो हमारी विरासत की पहचान है। शख्सियत ने आज मुलाकात मशहूर और मारूफ शख्सियत पद्मभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी। राज्यसभा टीवी के इस विशेष प्रोग्राम गुफ्तगु में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगु में हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र। यही अवसर है बनारस के संगीत को बचाने का। बनारस का संगीत अब लोप होता जा रहा है। यहाँ का संगीत ठुमरी, दादरा, कजरी, होली, सावनी, लावनी और जितने प्रकार का संगीत है वो सब अब नहीं गाया बजाया जा रहा है, ये लोप होता जा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि काशी का संगीत कैसे बचेगा, उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आगे के पीढ़ी के लिए ये संगीत लोग समझें कि बनारस का संगीत कैसा था और अब कैसा है। अवसर बार बार नहीं आए, अवसर बार बार नहीं आए। जागो लोगों मत सो, ना करूं नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। जो चाहो कर ले ओ भलाई, जो चाहो कर ले ओ भलाई, जन्म जन्म सुख पावे, जन्म जन्म सुख पावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। बार नहीं आए, अवसर बार बार नहीं आए। तन मन धन में नहीं कछु अपना, तन मन धन में नहीं कछु अपना, छाड़ी पलक में जावे, छाड़ी पलक में जावे, छाड़ी
पलक में जावे अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे। तन छूटे धन कौन काम ते, तन छूटे धन कौन काम के, कृपिन काहे को कहावे, कृपिन काहे को कहावे, अवसर बार बार नहीं आ, अवसर बार बार नहीं आ। सुमिरन 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 भजन करो साहेब को, सुमिरन सुमिरन भजन करो साहेब को, जासे जीव सुख पाए, सुख पाए, सुख पावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। कहे कबीर कहे कबीर पग धरे पंथ पर, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, जम के गण न सतावे, जम के गण न सतावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार